खास खबर। शताब्दी ट्रेन में धड़ल्ले से बिक रहा था मैं भी चौकीदार कप में चाय। 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस दौरान पक्ष विपक्ष पार्टियां चुनावी प्रचार में लग गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है यह नारा दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए मैं भी चौकीदार के नारे को और बुलंद कर दिया। जब यही नारा चाय के कप पर लिखा गया तो विवाद खड़ा हो गया। ट्रेनों में बिक रहे चाय के कप पर मैं भी चौकीदार वाले नारे पर बवाल शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला? काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों को मैं भी चौकीदार वाले कप में चाय दिया गया। एक शख्स ने इसकी शिकायत कर दी है। इसके बाद रेलवे ने कप को वापस ले लिया है। हालांकि चुनाव आयोग इस पर चुप है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आयोग का कहना है कि इस कप को किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है, ये संकल्प फाउंडेशन से जुड़ा हुआ कप है। वही रेलवे ने मामले में कार्रवाई की है। रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह आज हुआ, लेकिन तुरंत कप को हटा लिया गया। ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, इसके अलावा सुपरवाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।